आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स वर्क में फ्रेंड्स आज हम रेनेसा पर कुछ एम सी क्यू क्वेश्चन देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हम वन uh, वर्ड्स देखेंगे और कुछ uh, यहाँ पर एम सी क्यू देखने वाले हैं तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन व्हाट डज द टर्म रेनेसा मीन्स रेनेसा का मतलब क्या होता है तो रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ यानी कि आप कह सकते हो तो पुनर्जागरण या फिर मतलब फिर से जन्म हुआ टाइप वाला ठीक है रेनेसा से आप समझते हो क्या फ्रेंड्स पहले आप मुझे ये बताओ आप क्या समझते हो उससे देखिए रेनेसा का मतलब होता है कि पहले की जो चीज़ें जो हमारे पहले की जो ग्लोरी थी ना जो हमारा पास्ट था जो कि बहुत ही अच्छा रहा था लेकिन अब हम उसको भूल चुके हैं तो उस चीज़ को हम लोगों को फिर से याद दिला रहे हैं उन चीज़ों को कि देखो इतना वॉक हुआ था हमारे पास्ट में इन चीज़ों में और अब जैसा पहले का था उसको एज़ इट इज़ उठा के हम नहीं ला रहे उसमें तो कुछ मॉडरेशन भी ला रहे हैं ना कुछ साइंटिफिक चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो वो कहलाता है रेनेसा नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम पीरियड क्या था रेनेसा का यूरोप में वो था आ, अर्ली फोर्टीन सेंचुरी टू सिक्सटीन सेंचुरी थर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंट वर्क्स लियोनार्डो द विंची के क्या क्या थे तो इस पे फ्रेंड्स आपका एम क्यू आता है कौन नहीं है या कौन है चूज़ करने तो तीन इनके मेन है जो तीनों हम लोग देख लेते हैं एक है इनका वर्जिन ऑफ रॉक्स सेकेंड है इनका लास्ट सपर जिसमें उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट जो मृत्यु के बाद उन्होंने सबसे लास्ट में जो फिश खाया था लोगों के साथ बैठ के उन्होंने वो बनाया है द लास्ट सपर और थर्ड जो है आपका मोनालिसा की पेंटिंग जो कि बहुत ही फेमस है आपको पता होगा उसकी स्माइल के वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाई रेनेसा इन इट वॉज डोमिनेटेड बाई द वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट तो देखिए एक रेनेसा था और एक हाई रेनेसा था तो मतलब वही रेनेसा जब बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हो गया तो वो हाई रेनेसा कहलाया तो उस समय और ये हाई ने इटली में आया था तो उस समय किसका किसका वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था तो तीन आर्टिस्ट थे एक तो आपके लियोनार्डो द विंची थे ही दूसरे थे आपके माइकल एंजेलो एंड थर्ड थे आपके राफेल ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द ए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर आ, मैंने एक साइड ऑथर लिख दिया है और उसके बगल में आपको मैंने बुक्स लिख दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं ठीक है ये आपके एम फॉर्म में भी आ जाएगा तो मैंने इसको एक जगह लिख दिया या आप अच्छे से सबको रट लेना ठीक है दांते की बुक का नाम है डिवाइन कॉमेडी थॉमस मोर ने लिखा है यूटोपिया द प्रिंसिपिया लिखाया गया है आइजैक न्यूटन के द्वारा इरासमस ने लिखा है द प्रेज ऑफ फॉली और एडमर्ड स्पेंसर ने लिखा है फेरी क्वीन बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है और शेक्सपियर ने लिखा है इनकी बहुत सारी बुस डिफरेंट सारे इंपॉर्टेंट ही हैं तुम कुछ कुछ उसमें से देख लेते हैं लाइक मर्चेंट ऑफ वेनिस ओथेलो हैमलेट मैकबर्थ मैकबेथ आई मीन और रूमिया एंड जूलियट तो ये सब फ्रेंड्स आप अच्छे से याद कर लेना जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दांते की कौन सी इनमें से फेमस बुक है चार बुक का नाम दे दिया ठीक है आपको उसमें से बताना है तो वहां आपको पता होगा कि दांते की जो है वो डिवाइन कॉमेडी है है ना थॉमस मोरी की यूटोपिया है तो ये आप अच्छे से यहाँ से याद कर लेना इससे आपके कितने हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः आपके इससे एम बन जाएंगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वॉन इज़ फेमस वर्क ऑफ मैक्या वैली मैक्या वैली की कौन सी फेमस बुक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द प्रिंस है ना जो डिवाइन कॉमेडी है ये किसकी बुक है दाते की है यूटोपिया किसकी है थॉमस मोरे की है और हेमलेट किसकी है शेक्सपियर की है ठीक है ठीके? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द प्रिंस क्वेश्चन नंबर सेवन हु हैड डेवलप द प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी तो ये है आपका जोनान गुटेंस पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है ये द इटालियन ह्यूमनिजम इन्फेसाइज ऑन डिग्निटी ऑफ मैन जो इटा इटली में जो ह्यूमनिज़म आया वो किस चीज़ पे इंफेसाइज कर रहा था डिग्निटी ऑफ मैन पे ठीक है इंडिविजुअल जो मैन पे तो बहुत ज़्यादा इन्फेसिस था है ना और इंडिविजुअलिटी पे कि हर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है हर एक आदमी पर्टिकुलर आदमी नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स ऑफ रेनेसा आर्ट जो रेनेसा आर्ट था उसका क्या की फीचर्स था ठीक है तो आपकी ब्यूटी भी थी और क्रेज ऑफ क्लासिक्स दोनों ही इसके की फीचर्स थे तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो द विंची आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिए तीन ऑप्शन है मोनालिसा वेनस नॉन ऑफ दिस तो हमें पता है मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की तो आंसर हो जाएगा मोनालिसा अब आपसे पूछा गया है लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ था तो वो हुआ था आपका फ्लोरेंस में फ्रेंड्स फ्लोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे दो तीन लोगों का जन्म हुआ है आई थिंक राफेल का भी जन्म यहीं पर हुआ है फ्लोरेंस में यहाँ पे एक बार कन्फर्म कर लेना नेक्स्ट है फादर ऑफ इटालियन ह्यूमेज्म तो इटालियन uh, ह्यूमनिज्म का फादर किसे कहा जाता है है ना तो ये ये कहा जाता है पेट्रार्क को नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेड द आइडियाज ऑफ रेनेसा तो इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मोस्ट अगर पूछेगा तो तब होगा माइकल एंजेलो ऐसे तो तीनों है लेकिन मोस्ट लगा दिया क्वेश्चन में सबसे ज्यादा तो वो आपके हो जाएंगे माइकल एंजेलो नेक्स्ट देखते हैं हु वॉज द लीडिंग फिगर ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म अब जैसे इटालियन ह्यूमनिज्म था उस तरह क्रिश्चियन ह्यूमनिज़म भी था तो इनमें से कौन से लीडिंग फिगर है क्रिश्चियन ह्यूमनिज़म के तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरासमस ठीक है एरासमस हो जाएंगे और इनके बुक का नाम क्या था एरासमस का द प्रेज ऑफ फॉली तो ये सब आपको याद रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट इज़ द टाइम पीरियड फ्राम थर्टीन हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टीन यूरोप कॉल्ड ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है द रेिसा का टाइम पीरियड था ये है ना हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि अर्ली फोर्टीन सेंचुरी से सिक्सटीन सेंचुरी तक तो ये आपका रेनिसा का टाइम पीरियड है हु आज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ़ रेनेसा रनसा का सबसे फेमस राइटर कौन था तो वो थे आपके विलियम शेक्सपियर जिनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी अभी हमने देखा था फ्रेंड्स बताइए जी हाँ इनकी फेमस बुक्स है आपके हेमलेट मर्चेंट ऑफ वेनिस ओथेलो रोमियो एंड जूलियट और भी कई सारे फ्रेंड्स अगर आप और भी Uh, इस तरह के एम या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं या फिर आप नोट्स भी ढूंढ रहे हैं अगर हिस्ट्री के तो वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा चैनल के प्ले को आप चेक करना बिल्कुल भी ना भूल लो वहाँ पर हिस्ट्री के बहुत सारे नोट्स हैं और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एम चाहिए या कोई नोट्स चाहिए या क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो वो सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो फटाफट से कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट करें अभी के अभी नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर डिड द रिनसा बिगेन रेनेसा यूरोप में आया ये तो हमें पता है है ना लेकिन यूरोप में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ ठीक है तो ये स्टार्ट हुआ था आपका इटाली से नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंटेड द मोनालिसा मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई तो द मोस्ट फेमस लियोनार्डो द विंची और एक क्वेश्चन ये भी आता है फ्रेंड्स कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है तो uh, वो फेमस है बिकॉज ऑफ अ स्माइल ठीक है उनके स्माइल में कुछ बात है ठीक है तो इसलिए वो अपने स्माइल की वजह से वो फेमस है नेक्स्ट हम देखते हैं द एज ऑफ रेनेसा मीन्स द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन रेनेसा का टाइम पीरियड क्या है तो फ्रेंड्स अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन है मुझे लग रहा है मैं था कि मैंने टाइम पीरियड बताया था इसका है ना आपका आ, मतलब वन वर्ड वाले में यहाँ पे आपको एम फॉर्मेट में वही चीज़ दे दिया है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है तो हमें पता है ये थर्टीन सेंचुरी से सिक्सटीन सेंचुरी तक था नेक्स्ट है हु वॉज लियोनार्डो फिबोनाकी तो लियोनार्डो तो ये मैं समझना है कि ये पेंटर होंगे ठीक है पूरा नाम देखिए लियोनार्डो फिबोनाकी तो ये एक मैथमेटिशियन थे यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने कमेंट पे एक कमेंट पे बनाया है इनफैक्ट uh, उस बंदे ने मुझे uh, मतलब व्हाट्सएप पे भी रीच करा वहाँ पे उन उनकी एक्चुअली उनका पेपर था सो so मैंने फटाफट से उनको बना के दिया और इतने शॉर्ट टाइम पॉसिबल नहीं था वीडियो अपलोड कर पाना तो मैंने फिर उन्हें लिख करके मैंने उनको फोटोज़ का भेज दिया था तो इस तरह अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो फ्रेंड्स आप हमें फटाफट से कमेंट करें ज़रूर कमेंट करें जितना फास्ट पॉसिबल हो पाएगा अगर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो हम आपको मेल कर देंगे आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हम टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे जो भी पॉसिबल होगा वेज़ आपकी हेल्प करने की वो हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म को सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है तो यहाँ पे दो आपको दिए गए हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है ह्यूमनिज्म वाज दी फोकस ऑन द अचीवमेंट ऑन अर्थ रादर देन प्रिपरेशन फॉर द आफ्टर लाइफ ठीक है फ्रेंड्स ह्यूमनिज्म है ना ह्यूमन ह्यूमनिज्म हुँमन, मतलब इंसानियत या मानवतावाद आप मानवतावादी होगा एग्जैक्ट एक्जा, हिंदी तो उससे आप क्या समझते हो तो इसका मतलब हुआ ना कि ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि आप क्या अचीव कर रहे हो आप खुद में क्या यहाँ पर अचीव कर रहे हो है ना प्रेजेंट लाइफ में मतलब मृत्यु के बाद आपको क्या मिलेगा आपको हेवन मिलेगा हेल मिलेगा आपको क्या मिलेगा उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो किसी ने नहीं देखा तो उस पर फोकस नहीं है फोकस ये है कि आपने अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्या अचीव करा उस पर फोकस होता था ह्यूमनिज्म में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉटेड इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रेनसा इन द इटली तो हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन है इनमें से किस, -किस ने इन्फ्लुएंस करा है ना तो द एंशियंट रोमन्स एनशियट ग्रीक या फिर वर्जेंटाइन एम्पायर तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एवर इन सब ने इन्फ्लुएंस क्या करा इटालियन रेनेसा को नेक्स्ट टाइम एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले बिकॉज़ इस चैनल पे फ्रेंड्स आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस एक्वेशन पेपर मिलेंगे एम सी क्यू मिलेंगे आपकी जो भी डिमांड होगी वो सब ऑलमोस्ट यहाँ पे फुलफिल की जाएगी है ना तो ये चैनल स्पेशली हिस्ट्री के बच्चों के लिए ही स्टार्ट किया गया है तो कहा हो आप अभी तक फटाफट फड़ से सब्सक्राइब करो और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना बोले अभी के अभी लाइक भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें नेक्स्ट हम देखते हैं विच इट इज ओपन कॉल द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा रेनेसा का बर्थ प्लेस हम किसको बोलते हैं तो ये हम कहते हैं फ्रेंड्स फ्लोरेंस को यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिकॉज जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का यहाँ पर जन्म हुआ है फ्लोरेंस में लियोनार्डो द विं का भी जन्म फ्लोरेंस में ही हुआ था नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच योर डिड द पेपैसी रिटर्न टू रोम रोम में पपेसी जो थी वो कब वापस हुई थी तो ये हुआ था आपका 1420 में यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1420 में जो पपेसी थी जो पोप की वो जो मेन चीज़ थी वो वापस रोम में रिटर्न हुई थी नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज़ पोप लियो टेन मोस्ट वेल नोन एज पैटर्न ऑफ तो जो आपके एक पोप लियो टेन थे वो बहुत ज़्यादा मानते थे या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे राफेल के वर्क को है ना वो उनके मतलब बहुत बड़े पैटर्न थे राफेल के तो राफेल भी फ्रेंड एक बहुत ही फेमस उस टाइम के बहुत ही अच्छे वाले आर्टिस्ट हैं नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट स्कल्पर ऑफ द रिनेसा uh, के टाइम का सबसे बड़ा स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला में सबसे अच्छे कौन थे आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन ए है आपका डोना टेलो यही आपका आंसर भी है क्योंकि राफेल तो आपके पेंटर के रूप में ज़्यादा फेमस थे कि बर्टी तो नहीं है और ऑल ऑफ द वक्त तो हो ही नहीं सकता बिकॉज राफेल एज अ पेंटर ज़्यादा थे तो आपके ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहीं पर एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको आंसर नहीं पता ना तो आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो जैसे मैंने यहाँ कर, यहाँ पर मैं कर रही हूँ कि राफेल नहीं हो सकता बिकॉज राफेल एज एन आर्टिस्ट ज़्यादा फेमस है बी आपका एलिमिनेट हो गया डी ऑल ऑफ द एव ये भी नहीं हो सकता बिकॉज राफेल तो एज अ पेंटर ज़्यादा फेमस थे तो आपके ऑप्शन बी और आपके ऑप्शन डी ऐसे ही यहाँ पर एलिमिनेट हो गए अब बच्चा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स तो हमारा यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन सो so फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एम क्यू और ढेरों रो नोट्स के साथ तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेना थैंक यू